हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ गुड इवनिंग। आज की इस न्यू वीडियो में हम करेंगे गाइस ग्लोविंग बटरफ्लाई फोटो एडिटिंग। तो गाइस वीडियो एकदम अमेजिंग होने वाली है। और वीडियो में गाइस जितने भी मैं PNG और गाइस एक प्रीसेट का यूज़ करूँगा, तो गाइस सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइस, और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस सब में पहले हम एप्लीकेशन में फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। और गाइस स्नैपचैट एप्लीकेशन आपका डाउनलोड नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस फिर हम सब में पहले पेंसिल वाला आइकन पे जाएंगे। फिर गाइस आप यहाँ से ब्लर वाला टूल मिलेगा आपको, ब्लर। तो गाइस आप ब्लर पर जाके फेस को आप इस तरह से ब्लर करके आप एडजस्टमेंट एडिट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं फेस को। तो गाइस हम सब में पहले चले जाएंगे इधर, ब्लैक एंड वाइट वाला टूल मिल जाएगा यहाँ पर आपको, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल पर रहेंगे, नॉर्मल सिलेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट को मैं +6 कर लेता हूँ, ग्रेन को मैं +3 कर लेता हूँ, फिर कर देंगे राइट। फिर गाइस हम शेयर के बाजू वाले आइकन पे जाएंगे, जहाँ पे हम विस्ट एडिट बोलेंगे उसको, विस्ट एडिट पे जाएंगे। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके ब्रश ले लेंगे। फिर उसके बाद इसको एक बार क्लिक कर लेंगे, इनविट कर लेंगे। फिर इसको हम पहले 0 करेंगे, इसको हम इसको 0 कर देंगे। फिर बाद इस तरह से फेस को मारेंगे, और यहाँ से हम उस कलर को जो उस इफ़ेक्ट को ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट को हम रिमूव कर देंगे। तो गाइस आपको इस तरह से रिमूव कर लेना है, इस तरह से हटा देना है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं डायरेक्ट आगे कर लूँगा। तो गाइस आपको एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। तो गाइस मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइस ये आपको पत्ते का पॉइंट है गाइस, क्योंकि फ़ोटो एकदम ग्रीन टून पे है, पूरा एकदम डार्क ग्रीन टून फोटो होती है नॉर्मल, इसलिए उसके वो टून आ रहा है फोटो में, वो पत्ते का एक आ रहा है इसलिए। फिर हम डबल एक्सपोजर पे जाएंगे, यहाँ से हम PNG ऐड करेंगे। एक एक करके मैं गाइस PNG ऐड करूँगा। तो गाइस सबसे पहले हम याला PNG ऐड करेंगे। तो गाइस ये रहा, इसकी भी लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे, फिर इसको लाइट रूम और ऐड दोनों रहेंगे गाइस, और यहाँ हम इसको ऐड करेंगे, फिर राइट कर देंगे। तो वापस विस्ट एडिट पे जाएंगे, ब्रश लेंगे, इसको साइज़ को 0 देंगे, 0 नहीं इसको 100 करेंगे, नहीं 0 कर देंगे। फिर इस तरह से इसको हटा देंगे, जो भी हमारे मॉडल पे, मतलब जो भी हमारे कपड़े पे, फेस पे जो भी आ रहा है, जो भी फ़ोटो के फेस पे आ रहा है, सबको रिमूव कर देंगे, फिर डन कर देंगे। फिर वापस पेंसिल वाले आइकन पे जाके डबल एक्सपोजर के पहले हम इस पर जाएंगे ब्लर पे, और इस तरह से इसको राइट करेंगे। और जो गाइस अगर गाइस आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं है, तो गाइस इस तरह से ब्लर भी कर सकते हैं, ऐसा लगेगा गाइस कि कैमरे का लुक लगेगा कि कैमरे से फ़ोटो खींची है। तो गाइस इस तरह से हम ब्लर कर लेंगे, इससे फ़ोटो में और ख़तरनाक लुक आएगा। तो गाइस मैं फटाफट ब्लर कर लेता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह से ब्लर कर लेना है, जिसे आपको दिख रहा होगा गाइस हल्का हल्का सा पीछे सा, पीछे का जो बैकग्राउंड है ब्लर हो रहा है, इस तरह से ब्लर कर लेंगे। ये गाइस आप लास्ट में पहले भी कर सकते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट के पहले भी आप ब्लर कर सकते हैं, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है गाइस। इतना करने के बाद आपको चले जाना है, बैक आ जाना है, फिर वापस चलना है पेंसिल वाले आइकन पे, डबल एक्सपोजर वापस क्लिक करेंगे, और एक PNG गाइस आप बटरफ्लाई PNG ऐड करेंगे। तो गाइस ये रहा, इसका पहले साइज़ को कर देंगे बड़ा, साइज़ को बढ़ा देंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसको हम लाइट रूम और यहाँ पे ऐड सब रहेगा, तो हम लाइट करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, लाइट करेंगे, फिर डन करेंगे। फिर वापस जाएंगे डबल एक्सपोजर पे, फिर गाइस एक और लाइट है गाइस, ये लाइट, ये गाइस ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इसकी भी। इसको भी हम लाइट नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, उसको थोड़ी इसकी ऑपेसिटी को डाउन करेंगे, हल्की सी कम कर देंगे। फिर वापस पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे, और एक और बटरफ्लाई PNG है उसको ऐड कर लेंगे। फिर गाइस उसको ऐड करने के बाद ये एकदम छोटा हो गया गाइस, फिर गाइस उसको भी एडजस्ट करेंगे इस तरह से, फिर गाइस राइट कर लेंगे। इसको पहले हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है गाइस, इसको लाइट, उसको ऐड करना है। इसको डबल एक्सपोजर पे जाके वापस ऐड फोटो पे जाके ये लाइट ले लेंगे, इसको भी इस तरह से लाइट लगाएंगे,
और इसकी भी ऑपोसिटी पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इसकी ऑपोसिटी को डाउन करेंगे, फिर कर देंगे राइट। तो गाइस आप देख सकते हो फोटो, ये गाइस इतना स्टेप हो गया। तो गाइस आप चाहे तो यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे जाके सिलेक्टेड टूल पे जाइए, आप फेस को भी इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से फेस को भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे इसका हम कॉन्टेक्स्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं फोटो फेस की यहाँ से आप। इतना करने के बाद गाइस हम करेंगे लाइटरूम ऐप में। गाइस मैं आपको लाइटरूम ऐप में स्टेप बाय स्टेप बताता था मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैंने प्रीसेट दिया। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड करेंगे लाइटरूम में फ़ोटो को, तो डायरेक्ट ऐड हो गई फ़ोटो। फिर उसके बाद लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर जैसे आपका लाइटरूम ऐप डाउनलोड नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस हम प्रीसेट की करेंगे कॉपी सेटिंग, तीन डॉट्स पे जाएंगे, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके राइट करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे। फिर गाइस जो हमने ऐड करे थे फोटो, फिर तीन डॉट्स पे जाके इस पर पेज सेटिंग कर लेंगे। तो गाइस आपकी फ़ोटो इस तरह से एडिट हो जाएंगी। फिर बस लाइट पे जाएंगे, आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। अगर गाइस आपकी फ़ोटो में लाइट ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से लाइट्स कम कर लेना। यहाँ से आप हाईलाइट्स को कम कर सकते हैं, वाइट्स को भी आप, अगर वाइट्स आपको कम ज़्यादा लगती है तो वाइट्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ से शेडोज़ के लिए ब्लैक को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट को आपको 15 रन देना है, और एक्सपोजर को आप चाहे तो कम कर सकते हैं अगर लाइट आपकी फ़ोटो में ज़्यादा आ रही तो। यहाँ से आपको विब्रेस को कम कर देना अगर कलर डार्क हो रही है तो। यहाँ से आपको इसको बढ़ा देना है, इसको 15 कर देना है, 10 कर देना है। यहाँ से हाईलाइट्स को और ग्रीन को 1 बढ़ा देना है। बाकी शार्पनिंग को सब एडजस्ट, यहाँ से स्मूथनेस को 60 कर देना है कि फ़ोटो ज़्यादा स्मूथ होने तो गाइस तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। इतना करने के बाद आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और IPG पे जाना है, फ़ोटो कर लेना सेव। तो गाइस HD क्वालिटी में आपकी फ़ोटो सेव हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बस आपको ये सब जाके स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेना और एडिट कर लेना। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर देना। तो गाइस मैं इस तरह के न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको लाते रहता हूँ, प्रीसेट भी लाते रहता हूँ। तो गाइस कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।